बच्चों मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए जो वर्कशीट हमें विद्यालय से प्राप्त हुई है, आज हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इस वीडियो पे कार्य कर रहे हैं। क्लास एड दिया गया है, सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल। आप देख सकते हैं पूर्णांक इसका 40 अंक दिखा रहा है। यहाँ बच्चे अपना अनुक्रमांक रोल नंबर फिलअप करेंगे, शाला का नाम एवं यहाँ पर शाला का ड्रेस कोड, तो ये सब चीज़ें आप को ये जो जानकारी है विद्यालय से प्राप्त हो जाएंगी। आइए इसके निर्देशों को एक बार पढ़ते हैं। उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में हैं। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभव को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधजनों से चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। तो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इस पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें दिया गया है। सेक्शन बी आप देख सकते हैं बच्चों, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ड्रा कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी टू इंडियन क्वीन। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट ईच ऑफ देम आल्सो। तो यहाँ मैं इंडियन क्वीन के बारे में बताना है, क्वींस के बारे में। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो रानी लक्ष्मीबाई की आपको यहाँ पे तस्वीर या तो बनाना है या तो आप इसे कटिंग करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हमें इनके बारे में लिखना भी है, तो हमने जैसे लिखा है रानी लक्ष्मीबाई आल्सो कॉल्ड द रानी ऑफ झांसी वाज अ पिवोटल फिगर इन द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। सी इज आल्सो रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज ब्रोन ऑन 19 नवंबर 1835 इन द टाउन ऑफ वाराणसी। सी वाज नेम्ड मणिकर्णिका थंबे एंड वाज निकनेम मनु। इस प्रकार हमने यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, आप भी इसे ऐसा ही लिखेंगे। अगली फ़ोटो आपको यहाँ पे रानी अहिल्याबाई की लगाना है। आप यहाँ पे या तो स्केच बना सकते हैं या तो आप फ़ोटो को प्रोजेक्ट कार के अंतर्गत चिपका सकते हैं। इनके बारे में भी हमें लिखना है, अहिल्याबाई होलकर वाज अ ग्रेट रूलर एंड द क्वीन ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा। प्रॉपरली नाउ एस राजमाता अहिल्या होलकर एंड सी वाज बोर्न इन यहाँ पे आ जाएगा 1725 इन द विलेज ऑफ फिर आ जाएगा यहाँ कहाँ हुआ था महाराष्ट्र इंडिया। सी वाज द डॉटर ऑफ मनकोजी सिंधे वास ब्लैंकेट टू द डॉटर कम्युनिटी सेवरिंग एस पार्टिल ऑफ द विलेज। इस प्रकार आप इस यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रानी अहिल्याबाई के बारे में। अब हम देखेंगे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 10 इंडियन रिवर्स एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट एनी 5 ऑफ देम। तो हमें यहाँ पे 10 नदियों के नाम लिखना है और उनमें से 5 नदियों के बारे में 3 से 4 लाइन में सेंटेंस भी लिखना है। तो द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द महानदी रिवर, द कृष्णा रिवर, द नर्मदा रिवर, द गोमती रिवर, द घाघरा रिवर, द तमसा रिवर, द कोशी रिवर। अब हमें 5 नदियों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखना भी है। तो हमने लिखा है जैसे द गंगा रिवर, तो द गंगा इज़ ऑन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। द हिंदू कॉल इट मदर्स गंगा। द नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, द नर्मदा रिवर्स आल्सो कॉल्ड रेवा एंड
प्रीवियसली आल्सो नाउ एस नर्मदा और ऑंग्लिस्ट एस नर्मदा एस द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर। इसके बाद हमने द यमुना रिवर के बारे में लिखना है, तो द गंगा एंड द यमुना हैव प्लेंटीफुल ऑफ वाटर बट देयर आर मैनी अदर प्लेस्ड इन यूपी लाइक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर द महानदी रिवर, तो द महानदी इज़ अ मेजर रिवर इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया। और फिर हमने लिखा है द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो द ब्रह्मपुत्र आल्सो कॉल्ड तांगसो इन टैप्ट इस वन ऑफ द मेन रिवर्स इन एशिया। तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे कंप्लीट होगा 40 अंकों का। आशा है आपने वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इंग्लिश मीडियम का जो भी प्रोजेक्ट कार्य है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद जय भारत।